तो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। और ये वीडियो कोई व्लॉग नहीं है, बस खाली एक वीडियो है। और इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक मकसद है, जिसको आज हम आज की वीडियो में बताएंगे। और आप भी इंजॉय लेना और बताना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और हम आज की वीडियो बना रहे हैं BM 800 माइक के साथ में, जो V8 है, और इसके साथ में साउंड कार्ड भी है। तो आप ये भी बताना कि आपको आवाज़ कैसी लग रही है, ठीक है। तो भाई आज हम बात करते हैं टैग यूट्यूबर की। तो जैसे कि आप जितने भी हमारे भाई आ रहे हैं नए नए यूट्यूब पर अपना करियर बनाने के लिए, भाई अलग अलग चैनल खुल रहे हैं, कोई रोस्ट कर रहा है, कोई ब्लॉग बना रहा है, कोई भाई फनी कंटेंट बना रहा है, कोई मोटिवेशन बना रहा है। तो अलग अलग तरीके के नए नए चैनल आए जा रहे हैं, लेकिन 100 चैनल अगर बनते हैं तो 100 चैनल में से सिर्फ एक ही चैनल ऐसा होता है जो वायरल हो पाता है या जिसे कोई लोग जान पाते हैं। बाकी के 99 चैनल जो है ख़त्म हो जाते हैं और उनका पता भी नहीं चल पाता है। जैसे कि एक हमारा है, आप देख ही सकते हो हमारे व्यूज वगैरह को। वैसे हमें 2 साल हो चुके हैं, 2 साल में हमने 300+ वीडियोस डाल चुके हैं इसमें। और इससे पहले भी मैं काफ़ी चैनल पे काम कर चुका हूँ, मैं रोज चैनल पे भी काम कर चुका हूँ। और भाई साहब मैंने शॉर्ट वीडियो का भी चैनल बना रखा है, मतलब काफ़ी चैनल बना दिए हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं हासिल हुआ उसका, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि टैग यूट्यूबर, अच्छा टैग यूट्यूबर आपके माइंड से इतनी बुरी तरह से खेलते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो आपके लिए कुछ नहीं करते, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने लिए ही कुछ करते हैं, क्योंकि आप जैसे लोग जब तक बैठे रहेंगे उनको देखने के लिए, कोई भी अपडेट वगैरह कोई भी आती है, मैं मानता हूँ अपडेट वगैरह देखनी चाहिए, लेकिन आपको भी देखनी चाहिए अपडेट वगैरह क्या आ रही है क्या नहीं आ रही है। और भाई सभी देखते हैं और अपडेट बताते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपडेट के साथ साथ में वो आपको भाई साहब एक तरीके से आप कुछ भी कह सकते हो, कैसे आपको हिप्नोटाइज वगैरह किया जाता है इस चक्कर में कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनकी वीडियो में उलझे रहें, उनकी वीडियो को देखते रहें। आज अगर किसी चीज़ की सेटिंग बता देते हैं तो 5 दिन 2 दिन बाद में वो सेटिंग ख़राब हो जाती है कि अगर आप उसको वैसा करेंगे तो वो आपके चैनल के लिए खतरा रहेगा। हालांकि उसकी बारे में पहले बता दिया उन्होंने कि ये चीज़ ऐसे नहीं करोगे तो खतरा रहेगा, लेकिन बाद में जाने के बाद ये बोलते हैं कि अगर आपने वैसा कर दिया है तो खतरा हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि आप हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ देखते हो कि 1000 सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए जाए और 4000 घंटे का वॉच टाइम कैसे पूरा किया जाए, और सिर्फ आप इसी चीज़ को ढूंढने के लिए यूट्यूब पर जाते हो कि कोई ऐसी वीडियो मिल जाए जो हमें इसको आसान तरीके से करना बता दे। देखो भाई, अगर आप ये चाहते हो कि हमें कुछ ना करना पड़े, तो भाई 2-3 वीडियो डाल के बहुत सारे चैनल होंगे ऐसे जो आपका चैनल मोनिटाइज कर देंगे कुछ पैसे लेके, तो आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन उसका परिणाम बहुत गलत होता है। जैसे कि हमारा, हमने अपना चैनल मोनिटाइज करा लिया, भाई मेरा कराने का जो मकसद था वो बहुत अलग था, क्योंकि मैं 2 साल से यूट्यूब पर वीडियो डाल रहा हूँ और मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, ना ही मेरी कोई एक भी वीडियो वायरल हुई है। तो मैंने बहुत गुस्से में आके एक दिन अपना चैनल मोनिटाइज करा दिया और उसका परिणाम आज मुझे भुगतने को मिल रहा है, क्योंकि मेरे चैनल पे ना कोई इंगेजमेंट है, मेरा इम्प्रेशन भी बहुत डाउन हो गया और मेरे व्यूज भी बहुत कम आते हैं। भाई 2, 4, 5, 10 व्यूज आने से कुछ नहीं होने का, लाइफ टाइम अगर मैं हमारा ऐसे ही कंटेंट चलता रहेगा तो कुछ नहीं आने का कभी भी ज़िंदगी में भी, चाहे कितनी वीडियो मैं डाल रूँ जब भी कुछ नहीं होने का। बस हमें अपने चैनल को सुधार करने के लिए बस एक ही चीज़ करनी पड़ेगी कि हमें टाइम टू टाइम एक ही टाइम पर वीडियो डालनी पड़ेगी और अपना थंबनेल अच्छा करना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। जो भी है बस आपकी परफॉर्मेंस है कि आप परफॉर्मेंस कैसी दे पाते हो उसमें, जो ऑडियंस को अच्छी लगे।
अब ऑडियंस से आप पूछो, कमेंट में पूछो, कमेंट करते हैं, आप उस पे जाके पूछ सकते हैं उनसे कि आपको क्या देखना पसंद है, तो उसी हिसाब से आप वीडियोस वगैरह बनाएं। जैसे कि हम भी अपने चैनल पे अब भाई साहब पूछने लग रहे हैं लोगों से कि आपको कैसी वीडियो पसंद है, क्या कंटेंट पसंद है, जिससे कि मैं उस चीज़ को बना पाऊँ, या फिर जो कोई चीज़ ट्रेंड में चल रही है उस ट्रेंड को पकड़ा जाए। तो भाई मैं पीछे इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ में कोई है नहीं, कोई वीडियो नहीं बना पाता है। अगर मैं किसी के हाथ में अपना फ़ोन दूँगा तो वो वीडियो नहीं बना पाएगा, मेरी बिल्कुल भी नहीं बना पाएगा, मैं ही अपनी वीडियो बना पाता हूँ, इसलिए वीडियो कुछ ज़्यादा नहीं चल पाती है और हम पीछे रह गए हैं। लेकिन यार हमारा कोई साथ भी नहीं देता। जैसे कि मैं टैग यूट्यूबर के बारे में आपको बता रहा था, जितने भी टैग यूट्यूबर हैं, देखो आप किसी भी टैग यूट्यूबर को देख लेना, वो सिर्फ अपने बंदों को ही सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और जैसे कि आप कहा जाता है कि लेडीज फर्स्ट, ज़्यादातर सपोर्ट में लेडीज भी रहती हैं, और गरीब आदमी की यार कोई नहीं सुनता, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं सुनते गरीब आदमी की, लेकिन वो बंदा जो रहता है वो उन्हीं के वहीं का ही बंदा रहता है, ठीक। तो वो भाई देखो कोई भी है, अगर मैं अगर यहाँ रहता हूँ, मैं अगर अपने इस एरिया में रहता हूँ, यूपी में रहता हूँ, तो मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करूँगा कि मेरे यूपी वाले मुझसे आकर हेल्प मांगे, मेरे यूपी वाले बंदे यूट्यूबर बने, ठीक है। तो ऐसे ही वो बंदे सोचते हैं कि भाई हमारे यहाँ वाले बंदे यूट्यूबर बने, जो भी बंदे हैं, जितने भी आपके टैग यूट्यूबर हैं, भाई मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है यार नाम लेने से, ठीक है ना। मैंने पहले वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हो, बदले में मेरे को कितना भद्दा और कितना घटिया जवाब मिला है वो भाई मैं कह ही नहीं सकता। बस सिर्फ मैंने ये बोला था कि आप सिर्फ व्यूज के लिए ही काम करते हो, अपने फायदे के लिए ही काम करते हो, तो मेरे को जवाब में यही मिला था कि हाँ भाई हम अपने व्यूज के लिए ही काम करते हैं, लोगों का पागल बनाते हैं और अच्छी तरह लोगों का पागल बनाते हैं, ठीक है ना। अगर आप कहोगे तो मैं आपको वीडियो देख लेना आप जाके, ठीक है। यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रही है ना, इसमें आपको दिख जाएगा आई कार्ड में कि ये वाली वीडियो में आपको दिख जाएगा कि उस जो मेरे को कमेंट किया गया था वो कितना भद्दा कमेंट था, जिससे कि भाई मेरा दिल पूरी तरह से टूट गया। जो इंसान कहते हैं कि हम गुरु हैं यूट्यूब पर, हम गुरु हैं, तो काहे के गुरु हैं यार। मैं तो ये कहता हूँ कि कोई गुरु नहीं है, ठीक है, कोई भी गुरु नहीं है, ठीक है। जब तक YouTube खुद एक गुरु है भाई, YouTube खुद एक गुरु है, आप क्या नहीं सीख सकते YouTube से, आप क्या नहीं सीख सकते YouTube से आप सब कुछ सीख सकते हैं। कोई किसी, हमने इतनी वो करी, मिन्नत करी है भाई साहब, 100 200 200 मैसेज एक बार में हमने पहुंचाए हैं कि सिर्फ हमारी एक बार हेल्प की जाए, हमें कुछ सजेशन दिया जाए, हमारी हेल्प की जाए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, किसी ने हेल्प नहीं की कोई भी तरीके की, ठीक है ना। और आपकी भी भाई साहब कोई नहीं करने का, इस चीज़ को आप समझना, ठीक है। और आप जब तक इन चीज़ों में पड़े रहोगे ना, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम के चक्कर में पड़े रहोगे, तो आप कभी भी वीडियो नहीं बना पाओगे, ना ही आप कभी भी यूट्यूबर बन पाओगे मेरी तरह। तो आप भी अगर यूट्यूबर बनना चाहते हैं, जैसे कि मेरा चैनल मोनिटाइज है और आपके भाई का फेसबुक का भी मोनिटाइजेशन ऑन हो चुका है, स्टार मोनिटाइजेशन ऑन हो चुका है मेरा भी, तो वहाँ से स्टार भी आप दे सकते हैं मुझे जाकर। मेरी फेसबुक की आईडी आपको दिख जाएगी, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो लेते हैं आज की वीडियो में आपसे स्वागत, और मिलते हैं फिर आपसे किसी और व्लॉग में। तो चलते हैं भाई, राम राम।